लोगों को सुविधा और रोजगार देने के मकसद से चलाया गया रिक्शा लखनऊ वासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। और हम इस वक्त खड़े हुए हैं नाका थाने के पास, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा निकल रहे हैं, ओवर लोडिंग ई रिक्शा। और आपको बताते चलें, यहां तमाम तरह के ऐसे भी ई रिक्शा हमारे कैमरे में कैद हुए हैं जिनके ना नंबर प्लेट है, कंडम रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन लोग अपने सफर को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए, मौत का सफर करने को भी मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन इस चीज को देखता रहता है, लेकिन उन रिक्शों पर रोक नहीं लगाई जा रही है। जिला प्रशासन की मेहरबानी के चलते शहर में टूटा शीशा और टूटी हेडलाइट लिए ई रिक्शा सड़कों पर बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे हैं। राजधानी की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बनाया गया ये चरक चौराहा आज जाम के नरक से गुजर रहा है। ई रिक्शा वालों की अराजकता और उनके बेतरतीब खड़े होने, सवारी बढ़ने उतारने से चौराहे में 24 घंटे जाम लगा रहता है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से और सूबे के राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहने के लिए, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए चौराहे पे एक चौकी भी बनवाई गई है, लेकिन उस चौकी में ना सिपाही होते हैं, अगर सिपाही होते भी हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। इसके चलते इस चौराहे पे दिन भर जाम लगा रहता है, किसी भी तरह से इस चौराहे को 24 घंटे में कभी भी जाम निजात नहीं मिल पाती है। हालांकि अगर ई रिक्शा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ई रिक्शा की वजह से चौराहा जाम रहता है, और पुलिस प्रशासन के मंसूबे और उनकी सरपरस्ती की वजह से ही चौराहे पर जाम लगता है। कैमरामैन कुंदन सिंह के साथ निखिल शुक्ला, एएफसी टुडे, लखनऊ।